पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। योग दिवस के उपलक्ष्य में देश के कोने कोने में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों के साथ मैं हूं पूजा और मैं हूं शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की विशेष खबरें। आसाम के मूल्यबरी बिहू टोली ऑडिटोरियम में योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने नियमित परमात्मा की याद द्वारा आत्मा को पावन बनाने तथा गुणवान बनने का संकल्प लिया। मुंबई के वेस्ट भांडुप के पराग स्कूल के ऑडिटोरियम में योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर बीके मीता, बीके मिनर और बीके निधि ने सहभागिता की और योगासन कराए। जबलपुर के बरेला सेवा केंद्र पर योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर के योगा स्वामी कैलाश केसरवानी ने प्राणायाम व योगासन कराए तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मालती ने राजयोग द्वारा तन और मन की बीमारियों को दूर करने की बात कही। मध्य प्रदेश राजगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने प्राणायाम के साथ राजयोग का सहज अभ्यास कराया। कार्यक्रम में शहर के प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। तमिलनाडु वेल्लोर में अमूर के हिंदू हाई सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व योग दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में बीके सुधा और बीके राधा ने बच्चों को योग द्वारा मन को एकाग्र करने की विधि सिखाई। नेपाल विराटनगर में रानी के स्टन रीजनल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आर्ट ऑफ लिविंग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर विराटनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने तनाव से बचने के लिए सकारात्मक चिंतन करने और राज्यों का नियमित अभ्यास करने की सलाह दी। गुजरात के बिलीमोरा सेवा केंद्र द्वारा योग दिवस मनाया गया। राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके गुरुदेवी, बीके नयना ने वर्तमान समय राजयोग का महत्व बताकर संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया। भुवनेश्वर के बीजेपी नगर सेवा केंद्र द्वारा बीजेपी एसोसिएशन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वस्थ एवं सुखी समाज के लिए राजयोग विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में उप महापौर के शांति, सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। मुंबई के घाटकोपर सेवा केंद्र पर योग दिवस बड़े उमंग उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने संगीत में योगा के साथ प्राणायाम व आसन किए तथा प्रतिदिन योगाभ्यास करने का संकल्प लिया। इंदौर के छावनी सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ओम शांति भवन के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके आस्था ने परमात्मा से संबंध जोड़ योग की अनुभूति करने की सलाह दी। उदयपुर के मोतीनगर सेवा केंद्र पर योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उदयपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा, सेक्टर 4 से बीके शांति समेत कई बीके सदस्यों ने हिस्सा लिया और अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से राजयोग के द्वारा अपनी बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। यूपी के मेरठ सेवा केंद्र द्वारा सूरज कुंड पार्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके आशा ने कमेंट्री द्वारा सभी को योगाभ्यास कराया तथा बीके सुनीता ने राजयोग को तन तथा मन को स्वस्थ रखने के लिए लाभकारी बताया। इंदौर के श्रीनगर एक्सटेंशन सेवा केंद्र पर योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद दिलीप शर्मा, खजराना मंदिर के प्रमुख धर्मेंद्र भट्ट, तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पूनम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा मुख्य रूप से उपस्थित थी। महाराष्ट्र के वसई सेवा केंद्र पर योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्षद पुष्पा जाधव, कल्पेश मंकर, उप महापौर नितिन राउत, बीके प्रफुल्ला, बीके सुनंदा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। महाराष्ट्र के सोलापुर सेवा केंद्र पर योग दिवस के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय राजयोग शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के फाउंडर मगन सुरवेश, शुगर फैक्ट्री के अध्यक्ष गणपत साथे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोम प्रभा ने सभी को राजयोग के महत्व से अवगत कराया। हरियाणा के शिवानी मंडी सेवा केंद्र पर योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विधायक ओम प्रकाश, नगराध्यक्ष बलदेव सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजेंद्र विशेष रूप से उपस्थित थीं। कार्यक्रम के दौरान बीके राजेंद्र ने ईश्वरीय याद द्वारा जीवन की हर समस्याओं को समाप्त करने का आह्वान किया। महाराष्ट्र के पनवेल सेवा केंद्र पर योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व सीआईडी अधिकारी श्रीकांत सावंत, नील ग्रुप कंस्ट्रक्शन के लीगल एडवाइजर मोहन कुंद्रा ने सेवा केंद्र पर शिरकत की और सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा ने उनसे मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान चर्चा की। गुजरात के पाटन सेवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत प्रमुख मोहन पटेल ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था पिछले कई सालों से मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रही है।
महाराष्ट्र के नासिक सेवा केंद्र द्वारा नासिक रोड ब्रांच, सिटी सेंटर मॉल और कॉलेज रोड के बिग बाजार, गोविंद नगर के शक्ति उद्यान समेत कई स्थानों पर योग दिवस के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सिडको सेवा केंद्र प्रभारी बीके वीना, राजयोग शिक्षिका बीके पूनम तथा बीके शक्ति ने सैकड़ों लोगों को राजयोग से होने वाले लाभ से अवगत कराया। हरियाणा में हिसार सेवा केंद्र द्वारा टाउन पार्क में विश्व योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमेश कुमारी ने पूर्व जिला राजस्व अधिकारी आत्माराम, भूमि विकास बैंक के पूर्व महाप्रबंधक सूरज भान समेत सैकड़ों लोगों को योगाभ्यास कराया। सूरत के मजूरा गेट सेवा केंद्र पर सहज राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्व योग दिवस के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनल ने कहा कि परमात्मा की याद से ही आत्मा में गुण और शक्तियां आती हैं। इस अवसर पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख चंद्रकांत जरीवाला समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मऊ सेवा केंद्र द्वारा विश्व योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जुडिशियल जज ब्रिजराज सिसोदिया, गन्ना विकास अधिकारी सुभाष यादव, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला ने संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आध्यात्मिक और राज्यों को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी। मध्य प्रदेश शाजापुर सेवा केंद्र द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र जीवाजी क्लब समेत कई स्थानों पर योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके प्रतिभा बीके चंदा ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से राज्यों के माध्यम से हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। सेवा केंद्र पर आयोजित इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त सचिव शिवाजी सोनी, समाज सेवी नरेंद्र तिवारी ने मुख्य रूप से सहभागिता की। वडोदरा के मंगलवाड़ी सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज ने राजयोग द्वारा संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करने की बात कही। छत्तीसगढ़ के कोरबा सेवा केंद्र पर विश्व योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बीके विद्या ने राजयोग द्वारा मन को सशक्त बनाने पर बल दिया, साथ ही परमात्मा से सुख शांति का वर्षा लेने का आह्वान भी किया। मध्य प्रदेश के सीधी सेवा केंद्र पर 7 दिवसीय लाइफ स्किल्स एजुकेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रमोहन गुप्ता, समाज सेविका मीना गुप्ता, महाराजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीकी रेखा मुख्य रूप से उपस्थित हुई। इंदौर में दतोदा के शुभदीप आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड नर्सिंग कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की बीके वासुमती ने कहा कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में चिड़चिड़ेपन को समाप्त करने के लिए प्रतिदिन मेडिटेशन करना आवश्यक है। उत्तराखंड में हल्द्वानी के शकुंतलम बैंकेट हॉल में सहज राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम ने कहा, स्वस्थ रहने के लिए तनाव से मुक्त होना आवश्यक है, जो कि राजयोग के द्वारा ही संभव है। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन सेवा केंद्र द्वारा CRPF कैंप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने कहा कि राजयोग के द्वारा ही स्वयं के व दूसरों के जीवन को भयमुक्त व सुरक्षित बना सकते हैं। गुजरात में खंभात के नगर प्रशासन द्वारा विश्व योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण ने संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा आध्यात्मिक, मानसिक व शारीरिक रूप से सशक्त बनने पर बल दिया। उत्तराखंड के नैनीताल सेवा केंद्र द्वारा सहज राजयोग से स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्याम नारायण, सेवा केंद्र प्रभारी बीके वीना, बीके नीलम मुख्य रूप से उपस्थित रही। मुंबई के डोंबिवली सेवा केंद्र द्वारा पीपी चैंबर के बैंकेट हॉल में सुस्वास्थ्य एवं सुखी समाज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकू ने सुखी जीवन के लिए राज्यों की महत्ता बताई, इसके साथ ही राज्यों का अभ्यास भी कराया। योग दिवस पर डोंबिवली सेवा केंद्र द्वारा सर्वोदय पार्क, नांदीवली, RR हॉस्पिटल, ठारकुली दिया समेत कई स्थानों पर सुस्वास्थ्य प्रदर्शनी एवं मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसका हजारों लोगों ने लाभ लिया। आंध्र प्रदेश के कल्याण दुर्ग सेवा केंद्र द्वारा विश्व योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बीके कमलाक्षी, DSP अनिल कुमार ने कहा कि सच्चे मन की शांति राजयोग के माध्यम से ही संभव है। राजस्थान के हिंडन सिटी सेवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेतल ने समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए राजयोग सीखने का आह्वान किया, इसके साथ ही रैली निकालकर परमात्मा अवतरण का संदेश भी दिया। भुवनेश्वर के खंडागिरी सेवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता ने ज्वाइंट कमिश्नर डॉक्टर बिनानी मोहंती से ईश्वरीय ज्ञान चर्चा की। उत्तराखंड के ऋषिकेश सेवा केंद्र पर पवित्रता के आधार पर नई दुनिया का निर्माण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वामी सत्य स्वरूपानंद, पंजाबी महासभा के अध्यक्ष सुभाष कोहली, सेवा केंद्र प्रभारी बीके आरती मुख्य रूप से उपस्थित थीं। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने कहा कि जीवन में सुख शांति का आधार पवित्रता है। ऋषिकेश सेवा केंद्र पर योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वामी गोपालाचार्य, सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल, विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके आरती ने राजयोग के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। साथ ही उपस्थित अतिथियों को बीके बहनों ने ईश्वरीय सौगात भेंट की। भुवनेश्वर के फॉरेस्ट पार्क में विश्व योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने शारीरिक योग के साथ मानसिक योगा किया और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया गया। गुजरात के मलिया सेवा केंद्र पर योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सांसद राजेश, सरपंच जीतू सिसोदिया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीता ने उपस्थित लोगों को सदा सकारात्मक चिंतन करने तथा तनाव मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी। महाराष्ट्र के ठाणे सेवा केंद्र ने इनकम टैक्स ऑफिस, पंजाब नेशनल बैंक, हनुमान मंदिर, पासपोर्ट ऑफिस समेत अन्य कई स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया। स्वस्थ एवं सुखी समाज के लिए सहज राजयोग विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में ठाणे सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला ने राजयोग के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ठाणे के रहेजा क्लब हाउस में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। स्वस्थ एवं सुखी समाज के लिए सहज राजयोग विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में बीके हर्षा, योगाचार्य डॉक्टर बलराम तलरेजा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय शेट्टी ने विशेष रूप से सहभागिता की। बांग्लादेश ढाका के इस्लामपुर सेवा केंद्र पर योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बीके शोभा ने राजयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में योग दिवस पर ल्यूमेक्स ऑटोटेक लिमिटेड के कई ब्रांच में योग एवं राजयोग विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजयोग शिक्षिका बीके डोनिका ने प्रशिक्षण दिया। ऐसे ही औरंगाबाद MHO टैक्वांडो एसोसिएशन में भी कार्यक्रम का आयोजन कर राजयोग के अभ्यास द्वारा उसके लाभों से अवगत कराया गया। इस अवसर पर सीनियर ब्लैक बेल्ट शिक्षक तथा कई टैक्वांडो खिलाड़ी उपस्थित थे। रांची में बजरा सेवा केंद्र द्वारा झारखंड पुलिस वायरलेस विभाग में विश्व योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में SP चंद्रशेखर प्रसाद, DSP शिव कुमार, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजमती समेत कई अधिकारी मौजूद थे। योग दिवस के अंतर्गत 40 बटालियन तिब्बतन फोर्स में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। भुवनेश्वर के उत्कल विश्वविद्यालय में विश्व योग दिवस पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष दास, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुरेंद्र मिश्रा समेत कई विशेषज्ञ उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत जयपुर के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वैशाली नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला ने सभी को राजयोग के अभ्यास द्वारा जीवन को तनाव मुक्त बनाने की सलाह दी। मदुरई में जॉगर्स क्लब द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष अलागू, राजयोग शिक्षिका बीके अमृता लक्ष्मी तथा बीके मीरा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। मुंबई मलाड में भानु शांति सेवा केंद्र द्वारा योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर टॉक शो का आयोजन किया गया, जिसमें मलाड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती व वरिष्ठ मनोचिकित्सक बीके डॉक्टर गिरीश पटेल से योग तथा राजयोग से संबंधित सवाल पूछे गए। इस कार्यक्रम में कॉरपोरेटर सुनील प्रभु समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। झारखंड के हजारीबाग मतवारी सेवा केंद्र द्वारा योग दिवस का कार्यक्रम BSF मेरू कैंप में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजमती ने आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने पर बल दिया। ऐसे ही विनोबा यूनिवर्सिटी के बिजनेस डिपार्टमेंट में आयोजित कार्यक्रम में निदेशक डॉक्टर MK सिंह तथा बीके रामदेव उपस्थित थे। राजकोट के अवधपुरी में मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की 50वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलबाला चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख जयेश उपाध्याय, लाफिंग क्लब के मैनेजर अरविंद बोरा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा उपस्थित थी। कर्नाटक के भद्रावती सेवा केंद्र पर विश्व योग दिवस योग सप्ताह के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कलाईवानी ने ओम ध्वनि कराकर विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाए। कार्यक्रम में पतंजलि योग सेंटर, विश्व आरोग्य समिति, आर्ट ऑफ लिविंग समेत कई संस्थानों ने सहभागिता की।
जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व योग दिवस के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बिकेश चील समेत कई सदस्यों ने हिस्सा लिया और राजयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए। तमिलनाडु के चेगलपेट सेवा केंद्र द्वारा योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिंदू हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों ने बच्चों को राजयोग द्वारा मन की एकाग्रता को बढ़ाने की सलाह दी। पंजाब के सुनाम सेवा केंद्र द्वारा विश्व योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा समेत सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने शारीरिक व मानसिक योगाभ्यास कराया और मन की शांति के लिए ईश्वरीय ज्ञान को आचरण में लाने की बात कही। मध्य प्रदेश के सिंगरौली सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एनटीपीसी के डीजीएम आशुतोष अरोड़ा, एचईसी के महाप्रबंधक एके सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा ने संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन प्रभु स्मरण करने की सलाह दी। मध्य प्रदेश के रीवा सेवा केंद्र द्वारा स्वामी विवेकानंद गार्डन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में महापौर ममता गुप्ता, सांसद जनार्दन मिश्रा, एडिशनल कमिश्नर केपी राही समेत कई बीके सदस्यों ने सामूहिक रूप से ध्यान साधना की। दिल्ली के शालीमार बाग में ब्रह्मा कुमारीज और भारत योग संस्थान द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके पूनम ने राजयोग के बारे में विस्तार से बताया। वहीं बीके खीमिया ने कॉमेंट्री द्वारा योगाभ्यास कराया। उत्तराखंड रुड़की के डोईवाला सेवा केंद्र पर योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ऊर्जा संवर्धन एवं विकास सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष मनोज नोटियाल, रुड़की सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनिया, डोईवाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके मालू ने विशेष रूप से सहभागिता की। इस कार्यक्रम में बीके बहनों ने बताया, राजयोग के द्वारा परमात्मा से संबंध जोड़कर आत्मा के अवगुणों को समाप्त किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश मथुरा के भगत सिंह पार्क में योग दिवस मनाया गया। राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सरदार सिंह, बलदेव के विधायक पूरन प्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम ने मुख्य रूप से सहभागिता की। हरियाणा में अंबाला कैंट के वॉर हीरोज स्टेडियम में ब्रह्मा कुमारी तथा भारत माता योग अभ्यास संस्थान द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में अंबाला कैंट की राजयोग शिक्षिका बीके शैली ने बताया कि शरीर की आवश्यकता भोजन है, लेकिन आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए राजयोग आवश्यक है। इसके साथ ही सभी उपस्थित लोगों ने वृक्षारोपण भी किया। पठानकोट में धांगू रोड के ध्रुव पार्क में विश्व योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रोटरी इंटरनेशनल क्लब के पूर्व डिप्टी गवर्नर डॉक्टर ब्रिजभूषण शर्मा, लॉयंस क्लब के चार्टर प्रेसिडेंट सतपाल गुप्ता, बीके बबीता, सुजानपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता मुख्य रूप से उपस्थित थीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आसाम डिब्रूगढ़ के बाबा रामदेव मंदिर हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके विनीता ने राज्यों को सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ बताया। आसाम के दीमापुर सेवा केंद्र पर योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से बीके भगवान ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि राजयोग किस तरह से जीवन की हर परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देता है। पटना के रविंद्र भवन में राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर साधु समाज के मुख्य श्री हरि नारायण नंद, बाल प्राधिकरण कमीशन के सदस्य अर्चना, पटना सब जोन प्रभारी बीके संगीता समेत बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने सामूहिक ध्यान साधना कर विश्व में शांति की कामना की। राजकोट के पंचशील स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पंचशील सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके कृपाल ने मन को एकाग्र करने के लिए राजयोग का अभ्यास करने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद सेवा केंद्र द्वारा योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिंधी समाज के प्रमुख नितिन साई, समाज सेवक वेद प्रकाश राजपाल, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि मुख्य रूप से उपस्थित थीं। इस कार्यक्रम में बीके सदस्यों ने आत्मा परमात्मा का परिचय देते हुए राजयोग का अभ्यास करने की प्रेरणा दी। कर्नाटक के राने बनूर में ब्रह्म कुमारीज तथा पतंजलि योग समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तालुका तहसीलदार शिवालुगु, श्री रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम के श्री प्रकाश आनंद, भारत स्वामी मान ट्रस्ट के अध्यक्ष वज्रेश्वर लाडवा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मालती समेत अन्य कई विशिष्ट लोगों ने योग दिवस को सार्थक बनाने के लिए इसे जीवन का अंग बनाने की बात कही। हैदराबाद के नाबार्ड बैंक क्वार्टर्स में योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शांति सरोवर की राजयोग शिक्षिका बीके पारुल ने राजयोग द्वारा गृहस्थ जीवन में रहते हुए सुख शांति प्राप्त करने पर बल दिया। तमिलनाडु के थंजावुर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विश्व शांति के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर जिला कांग्रेस अधिकारी श्री कृष्ण स्वामी वंदयार, SBI के AGM अरुणाचलम गणेशम, रिटायर्ड प्रोफेसर टी इंदिरा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जिनाना सुंदरी मुख्य रूप से उपस्थित थी। मदुरई के राजा मुथिया मंत्रम में विश्व योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मदुरई बार एसोसिएशन के सचिव रामा सैमी, एलनो किचन वर्ल्ड के निदेशक श्री निवासन, मदुरई सब जोन प्रभारी बीके मीनाक्षी समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि ये संस्था राजयोग द्वारा विश्व में सकारात्मकता लाने का महान कार्य कर रही है। इस कार्यक्रम के दौरान शहर में सेवा केंद्र के सदस्यों द्वारा 20 मार्च रैली भी निकाली गई। झारसुगुड़ा की गौशाला रोड सेवा केंद्र पर योग के महत्व विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्षा निर्मला जलान, पार्षद शारदा शाह, वरिष्ठ नागरिक संघ के अध्यक्ष बाल गोविंद मिश्रा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अश्विनी ने खुशहाल जीवन के लिए योग करना आवश्यक बताया। पंजाब के गिद्दरबाहा सेवा केंद्र पर राजयोग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक रघुवीर पठान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला ने तन और मन की बीमारी का कारण व्यर्थ चिंतन बताया। झारखंड के हजारीबाग सेवा केंद्र द्वारा जैन धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग दिवस पर आधारित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके हर्षा ने राजयोग द्वारा आत्मा को पावन बनाने की बात कही। ऐसे ही हजारीबाग सेवा केंद्र ने BSF ओल्ड एज होम समेत कई स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके हर्षा, बीके राजमती ने राजयोग अभ्यास द्वारा तनाव को दूर करने की प्रेरणा दी। आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर सेवा केंद्र द्वारा योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर अध्यक्ष रेवला लक्ष्मी नागराजू, नगर आयुक्त वीरभद्र राव, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुगंधा ने राजयोग द्वारा संबंधों को मधुर बनाने की बात कही। साथ ही रैली निकालकर परमात्मा अवतरण का संदेश भी दिया। छत्तीसगढ़ के जमनीपाली सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त आयुर्वेदिक डॉक्टर डीके जैन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रचना ने मन को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए सुबह उठकर प्रभु का स्मरण करने की सलाह दी। जबलपुर की कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा योग दिवस पर नर्मदा क्लब और उमंग सामुदायिक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बाला ने व्यर्थ से दूर रहकर बीमारियों से बचने की प्रेरणा दी। झारखंड की गुमला सेवा केंद्र द्वारा खूंटी के स्कूल तथा उप कारागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजिता ने राजयोग द्वारा संस्कार परिवर्तन करने पर बल दिया। लुधियाना के सिविल लाइन सेवा केंद्र द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर दिल्ली में जीवी पंत हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता ने योग के वास्तविक अर्थ से सभी को अवगत कराया। रांची में बजरा सेवा केंद्र पर मातेश्वरी जगदम्बा की 50वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कर्नल विनोद प्रसाद, पुलिस एसोसिएशन के महामंत्री कमल किशोर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजमती ने कहा कि वर्तमान समय आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही संसार को सुखमय बनाया जा सकता है। वहीं मम्मा के पद चिन्हों पर चलकर स्व उन्नति करने की सलाह दी। राजस्थान के बयाना सेवा केंद्र पर मातेश्वरी जगदम्बा की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर बयाना के पूर्व प्रधान महेंद्र तिवारी, ETV चैनल के संवाददाता मुकुट, सेवा केंद्र प्रभारी बीके बबीता, बीके अनीता, बीके सुनीता मुख्य रूप से उपस्थित थी। राजस्थान के भरतपुर सेवा केंद्र पर मम्मा की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने मम्मा के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मम्मा त्याग व तपस्या की प्रतिमूर्ति थी। इंदौर के छिंदवाड़ा सेवा केंद्र पर मातेश्वरी जगदम्बा की 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पतंजलि समिति के अध्यक्ष शशि तिवारी, पतंजलि चिकित्सालय के संचालक मनोज अग्रवाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गणेशी ने मातेश्वरी को श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र पर मम्मा की पुण्यतिथि के अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मिमला समेत अन्य सदस्यों ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हैदराबाद के सेरीलिंगम पल्ली में योग दिवस तथा सेवा केंद्र के एक वर्ष पूर्ण होने पर इफेक्ट ऑफ राजयोगा ऑन हेल्थ विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर UOL के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीके बाला किशोर ने बताया कि योग द्वारा जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल की जा सकती है। कार्यक्रम में सेरीलिंगम पल्ली सेवा केंद्र प्रभारी बीके पद्मा, बीके ज्योति, बीके कल्पना ने योगी जीवन के लिए प्रेरित किया।
पंजाब के लाइया खास में ब्रह्मा कुमारी द्वारा मम्मा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पतंजलि योग आश्रम के प्रमुख योगाचार्य धर्मपाल और उनके साथियों ने मम्मा को पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में फिलौर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज ने मम्मा की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिव शक्ति तथा बीके राकेश उपस्थित थे। भुवनेश्वर के वीवीएस नगर सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुजीता ने कहा कि मानसिक योग के लिए सकारात्मक चिंतन करना आवश्यक है। पटियाला के अर्बन स्टेट सेवा केंद्र पर योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 दिवसीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पटियाला सेवा केंद्र के निदेशक बीके शांता, बीके रश्मि ने बताया कि वर्तमान समय मनसा सेवा द्वारा दूसरों के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखकर विश्व परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद सेवा केंद्र द्वारा एचकेएच फार्म में योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर व्यापार मंडल के प्रमुख योगेश गुप्ता, बीजेपी के नेता महेश राजपूत, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने विशेष रूप से सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने योग के बारे में विस्तार से जानकारी दी और परमात्मा को जान उनसे संबंध जोड़ने पर बल दिया। महाराष्ट्र में सावनेर के महाजन लॉन में योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगराध्यक्ष वंदना धोटे, नगर परिषद सदस्य रामराव मोवाड़े, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुरेखा ने कहा कि वर्तमान समय तनाव भरे युग में परमात्मा की यादें जीवन को सुखमय बना सकती हैं। राजस्थान में नदबई के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उपखंड अधिकारी शौकत अली की उपस्थिति में योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पतंजलि योग समिति के साथ ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया, जिसमें बीके पूनम ने कमेंट्री द्वारा उपस्थित लोगों को योगाभ्यास कराया। मध्य प्रदेश के नरसुलागंज में राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके सुनीता और बीके माला ने आत्मा और परमात्मा का बुद्धि योग द्वारा मिलन ही वास्तविक योग बताया। वडोदरा के वासना रोड सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बीके सदस्यों ने राजयोग अभ्यास द्वारा विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाए। मध्य प्रदेश में नौगांव के तक्षशिला विद्यालय द्वारा विश्व योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी को भी आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा ने बताया कि योग द्वारा हमारा तन और मन स्वस्थ और शक्तिशाली बनता है। इंदौर के पीथमपुरा सेवा केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में समाज सेविका प्रभा गौतम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, बीके मुखर्जी समेत कई लोग शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को व्यायाम कराकर तंदुरुस्त रहने के तरीके सिखाए गए। हरियाणा के सफेदो सेवा केंद्र द्वारा पंजाब नेशनल बैंक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में बीके रजनी, बीके कीर्ति, बैंक मैनेजर प्रदीप शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। सफेदो के रमेश पार्क में भी योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पीलूखेड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी ने राजयोग के अर्थ को स्पष्ट किया। ओडिशा के रायगढ़ सेवा केंद्र और सीआरपीएफ कैंप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र पर आयोजित इस कार्यक्रम में आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट जगन्नाथ मोहंती, पतंजलि योग गुरु आचार्य राजेंद्र, सेवा केंद्र प्रभारी बीके श्रीमती ने गीता के आध्यात्मिक रहस्यों से सभी को अवगत कराया और राज्यों को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह भी दी। ऐसे ही विशेष खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए देखते रहिए पीस ऑफ माइंड चैनल। नमस्कार, ओम शांति।